नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाला हूं कि कोई भी आपकी बिना इजाजत के आपके फोन से कभी कोई कॉल नहीं कर पाएगा। या दोस्तों जब तक आपकी मर्जी ना हो, चाहे आपका दोस्त हो चाहे कोई भी रिश्तेदार हो जिसके पास भी आपका फ़ोन है या वो यूज़ कर रहा है, तो सबसे पहले वो आपके डायलर या फ़ोन करने की कोशिश करता है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी तकनीक बताऊंगा जिसकी मदद से कोई भी पर्सन आपके फ़ोन से कभी कोई कॉल नहीं कर सकता जब तक कि आप उसको इजाज़त ना दे दें। तो दोस्तों जानने के लिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड कर लेनी है। ये वाली वो ऐप है और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसको आज का फंक्शन आपको बताता हूँ। जैसे आप इसको डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद इस ऐप को आप ओपन कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मैंने ये ऐप डाउनलोड किया हुआ है अपने फ़ोन पर, अब मैं इस ऐप को ओपन कर लेता हूँ। अब ओपन करने के बाद इसमें हमें क्या क्या कुछ एक दो सेटिंग करनी है, हमें कोई ज़्यादा सेटिंग नहीं करनी। देखिए इस तरह का इसका इंटरफेस है और उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर एक दो फीचर्स हैं, जैसे कि देखिए आप इसमें चाहें तो बेसिक लॉक लगा कर रख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, सिंपल सा ये आपको लोगो दिख रहा है इस तरह का एक बेसिक लॉक लग जाएगा। चाहे तो आप इस पर टाइमर लॉक भी लगा सकते हैं, यानी कि आप इसमें टाइमर भी सेट कर सकते हैं कि इतने टाइम पर आपके फ़ोन में लॉक लग जाए, ठीक है। लेकिन जो इसकी मेन सेटिंग है हमें उसके बारे में बात करनी है। ये फोर्थ नंबर का जो ऑप्शन है सेटिंग, इसके अंदर हमें जाना है। यहाँ पर जाने के बाद देखिए अभी आपको यहाँ पर दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, प्रोटेक्टेड और अनप्रोटेक्टेड, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर प्रोटेक्टेड पे सेलेक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पर एक अपना पासवर्ड देना होगा। देखिए मैं प्रोटेक्टेड पे यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हमें प्रोटेक्शन पासवर्ड मांगा है, मतलब ये पासवर्ड आपको याद रखना है जब भी आप अपने डायलर को अनलॉक करेंगे। तो फिलहाल इसको मैं देख, पहले हम शो पासवर्ड पे क्लिक कर देते हैं ताकि आपको भी ये दिखता रहे कि ये पासवर्ड क्या है। तो ये 123 यहाँ पर डाला हुआ है, मैं इसको 123 ही रहने देता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब 123 हमने यहाँ डाला हुआ है, आपको ये ध्यान रखना है ताकि आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये अलर्ट मैसेज इनेबल्ड या डिसेबल्ड, ये आपकी मर्जी है। आप चाहे इसको इनेबल करके भी रख सकते हैं, यानी कि चालू करके भी रख सकते हैं, या फिर बंद करके भी रख सकते हैं। तो आप इसे इनेबल करके ही रखिए। इससे क्या होगा, जब भी आपके फ़ोन में कोई भी कॉल करने की कोशिश करेगा तो आपके पास एक मैसेज आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हमें यहाँ पर और कोई सेटिंग नहीं करनी, हमें चलना है यहाँ पर नीचे जो आपको इधर है फास्ट कोड, इस ऑप्शन को आप देखिए। अब यहाँ पर पहले नंबर पे है लॉक कोड, लॉक कोड मतलब अपने कीपैड को लॉक लगाने का कोड, ठीक है। और दूसरा है अनलॉक कोड, अपने कीपैड को अनलॉक करने का कोड। तो ये आपको दो कोड यहाँ पर डालने हैं और ये कोड आपको ध्यान रखने हैं। तो देखिए मैं लॉक कोड में आप यहाँ पर अपना कोई भी एक पासवर्ड या मान लीजिए नंबर एक डाल देता हूँ। तो लॉक कोड में डाल देता हूँ, चलिए मैं 111, ठीक है, 111 स्टार डाल दिया है मैंने लॉक कोड के अंदर। और अनलॉक करने के लिए मैंने इसमें डाल दिया है 222 स्टार, ठीक है। आप अपने हिसाब से कोई भी अपना एक पासवर्ड डाल सकते हैं, जैसे कि लॉक करने के लिए मैंने 111 स्टार और अनलॉक करने के लिए मैंने 222 स्टार। और एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है, हमने जो शुरुआत में प्रोटेक्शन पासवर्ड दिया था वो है 123, ठीक है। ये 123 पासवर्ड हमें कहाँ यूज़ करना है वो मैं आपको ही बताता हूँ। अब मैंने इसको कर दिया है, अब देखिए मैंने इसको सेट कर दिया है यहाँ पर। बस अब हमें यहाँ पर अब कुछ नहीं करना, अब हम यहाँ से बैक हो जाते हैं, ठीक है। देखिए अब जो है, अब हमारे फ़ोन से हमें क्या करना है, हमने जो पहले प्रोटेक्टेड कोड जो हमने डाला था वो हमें डाल लेना है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि हमें अपना कीपैड यहीं पर हमें लॉक लगाना है ताकि हमारा कोई फ़ोन यूज़ ना कर पाए। तो हमारा जो प्रोटेक्टेड कोड था वो था 111 स्टार। अब हमें सिम 1 सिम 2 जिस पे भी लॉक लगाना है आप उस सिम पे डायल कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। देखिए मैंने इसको डायल कर दिया, अब देखिए नीचे स्क्रीन पर लिखा हुआ आ जाएगा आपको लॉक्ड। अब देखिए मैं यहाँ से कुछ भी टाइप करता हूँ या कॉल लगाऊंगा, देखिए मेरी कोई कॉल यहाँ से नहीं जाएगी। नीचे देखिए लिखा हुआ आएगा डायल लॉक्ड, ठीक है। तो अगर आपकी मर्जी नहीं होगी तो कोई भी बंदा आपके फ़ोन से कभी भी कोई कॉल नहीं कर पाएगा। अब अगर आपको कॉल करनी है तो आपको क्या करना है, हमने जो दूसरा कोड डाला था इस कीपैड को अनलॉक करने का, वो आपको यहाँ पर टाइप करना है, वो था 222 स्टार। और दोबारा आप उसी सिम से इसे डायल कीजिए। अब नीचे आप स्क्रीन पे देखेंगे तो एक ये देखिए, अब यहाँ पर अनलॉक करने के लिए हमसे एक पासवर्ड पूछा जा रहा है, और ये पासवर्ड वो था जो हमने स्टार्टिंग में डाला था सबसे ऊपर,
ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे 1 2 3 और इसको हम अनलॉक कर देंगे। देखिए अनलॉक करते ही हमारा डायलर भी अनलॉक हो गया और डायरेक्ट हम सेटिंग पर आ गए, और सेटिंग पर आकर आप चाहें तो यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी एक वीडियो कि आप किस तरह से अपने डायलर को लॉक लगा सकते हैं ताकि कोई भी आपकी मर्जी के बिना कभी आपके फ़ोन से कॉल ना कर पाए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए या आपकी स्क्रीन के ऊपर सब्सक्राइब के लाल निशान पर टच करके और उसके बाद घंटे के निशान पर जरूर टच कीजिए दोस्तों। इससे आपको हमारी नई नई वीडियो लगातार मिलती रहेगी, ये बिल्कुल फ्री होता है और आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।